लग गई। 12 बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग बस के AC यूनिट में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। हादसे के शिकार मुगैरी बरादरी के अफराद का ताल्लुक खैरपुर नाथन शाह से था, जो कराची से अपने घरों की तरफ जा रहे थे। वजीर आला सिंध ने वाके का नोटिस ले लिया है। DC और SP जामशोरों को फौरी इमदाद की हिदायत कर दी है। एक और सानिहा, एक और कयामत। कराची हैदराबाद के दरमियान नूरियाबाद के करीब मोटरवे M9 पर मुसाफिर बस में आग लग गई, जिसने पूरी गाड़ी को यकदम अपनी लपेट में ले लिया। बस में सवार अफराद को जान बचाने का मौका ही नहीं मिला। दादू के सैलाब मुतासरीन कराची से वापस अपने आबाई शहर खैरपुर नाथन शाह जा रहे थे। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, लाशों और जख्मी को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। अलमनाक सानहे में 13 बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक हो गए और 2 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। तमाम अफराद का ताल्लुक मुगैरी खानदान से था। ये मेरे अजीज है, करीब है, मेरे वाल साहब के कजन के बच्चे, सारी फैमिली थी, ये सारे आ रहे थे। पहले तो सैलाब में चले गए थे कराची मंगोपीर, वहाँ से आज आ रहे थे, तो ये वाक्य पेश आया। उसमें ये 18 कैजुअल्टी हुई, तकरीबन मुस्लिम बच्चे हैं। सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस सैयद फरहान के मुताबिक मुसाफिर बस में 55 अफराद सवार थे। एमरजेंसी एग्जिट के बाइस कई जाने महफूज रही। ये बस जो है कराची से KN शाह खैरपुर नाथन शाह की तरफ जा रही थी। इसमें 55 लोग सवार थे जो कि फ्लड इफेक्टिस थे। वो थे तो फ्लड इफेक्टिस, लेकिन उनका ताल्लुक एक ही खानदान था, मुगैरी बिरादरी थी। इस बस का भी जो इमरजेंसी गेट है प्रॉपर काम कर रहा था, जिसकी वजह से रेस्क्यू में बड़ी मदद मिली और काफी सारे मुसाफिरों को रेस्क्यू करके वहां से निकाल लिया गया। जहां बाहक अफराद की लाशें सोहराब गोट सर्द खाने मुंतकिल कर दी गयी। लाशें शनाख्त के काबिल नहीं, लाशें प्लास्टिक में लपेट कर ताबूत वर्सा के हवाले किए जाएंगे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग AC यूनिट में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने मुसाफिर कोच में आतिशजदगी के वाकये का नोटिस लेते हुए मुतासरीन की फौरी मदद की हिदायत की, जबकि मुसाफिर बसों के इंस्पेक्शन के भी अहकाम जारी कर दिए।